स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर बालक बालिका फुटबॉल मैच का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि BCD डायरेक्टर अमलेश पांडे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। शुभारंभ मैच दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल महावीर छपरा और कोऑपरेटिव स्कूल पिपराइज के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर थी। मैच का निर्णय टाई ब्रेकर के माध्यम से किया गया, जिसमें दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में कोऑपरेटिव स्कूल को 3-1 के अंतर से हराया। इस अवसर पर पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के सचिव महेंद्र गुप्ता, सुरेश राय, नसीम अहमद सहित निर्णायक मंडल की टीम, प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। बताते चले कि मंडल से फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों की 8 और लड़कों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए BCD के डायरेक्टर अमलेश पांडे ने कहा, स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी प्रतियोगिता चल रही है। फुटबॉल और क्रिकेट खेल का समझिए एक तरह से कुंभ यहाँ पे चल रहा है। जैसे एक कुंभ इलाहाबाद में चल रहा है, तो दूसरा खेल का कुंभ यहाँ पे चल रहा है जो खेलों का कुंभ है। और हर क्षेत्र के बच्चों, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तरह तरह के जितने भी गेम्स हैं, हर तरह के खेल का यहाँ पे कुंभ लगाया गया है। और समझिए भी एक संगम का तट हो चुका है और लोग यहाँ खेलों को अपने कंपटीशन को भी वो कर रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं और साथ में खेलों को एंजॉय किया जा रहा है। खेलों का एक तरह से शानदार आयोजन किया गया है गोरखपुर के अंदर, जो जगह जगह चल रहा है, यहाँ से लेकर रीजनल स्टेडियम तक अलग अलग खेल अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी प्रतिभा दिखे हैं, उनको एक अच्छा मंच मिला है। ये बहुत शानदार है। देखिए इसमें भी जैसे हम मिले तभी 4 टीमें थीं और एज अगर देखेंगे तो 10 साल से लेके 15 साल 20 साल तक के बच्चे थे, बच्चे बच्चे हैं इसमें। तो एक अपॉर्चुनिटी है, जो बंदा भी 10 साल का है, 12 साल का है और इस तरह का अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके वो खेल रहा है, तो हम मान के चले कि 12 साल हो, 13 साल, 14 साल का होगा वो, तो प्रदेश लेवल पे खेलेगा। और जब वो 16 साल 18 साल का होगा तो नेशनल लेवल पे खेलने के लायक हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे 8-10 साल का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा। और इस तरह का अगर 8-10 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो बंदे निकलेंगे। फुटबॉल जो है वन ऑफ द पॉपुलर गेम है अपने हिंदुस्तान का और बहुत सारी टीमें हैं।
वर्ल्ड वाइज हमें उस लेवल का सक्सेस नहीं मिला जिस लेवल पर हम लोग खेलते हैं। करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर फुटबॉल खेलते हैं और देखने वाले भी उसी लेवल पर हैं, बट हम उस लेवल पर नहीं गए क्योंकि उतना टाइम नहीं इन्वेस्ट होता था खेलों पर। अब देख रहे हैं हम खेलों पर और खिलाड़ियों पर अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, टाइम से लेके पैसे का सब लेके सरकार से लेके और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाला फ्यूचर हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है अगर इस तरह का सपोर्ट हर लेवल पर मिलता रहा तो।